हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नेहा व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरा। आँख देखो गाइस, गुड मॉर्निंग यहाँ गाइस, आँखें मेरे एकदम ऐसे हो गए, मैं उड़ गई हूँ। ईशान मेरा सोया हुआ है, आप देखो ईशान को भी देख सकते हो। अभी थोड़े व्लॉग्स मेरे, मुझे मालूम है कि थोड़े बोरिंग हो गए, कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है आपको, कहीं मैं गई भी नहीं ऐसा, क्योंकि ईशान का रहता है तो मोस्टली मैं उसको शॉप में ही रहता हूँ, उसको कहाँ कहाँ लेके जाऊँ, नहीं आता मुझे पता ना पूरा वाले से। और मेरा पूरा अच्छी तरह ये देखिएगा इस टेम्पल, ये मैंने पूरा कलर किया, DIY किया। और ये कलर आपको कैसा लग रहा है, पूरा ब्राउन कलर का था जो टेम्पल का ब्राउन कलर रहता है, अभी मैंने पूरा सुखाने में रखा था। देखो इस ये कलर था एग्जैक्टली, तो ये कलर से अभी ये कलर हो गया है, तो अभी पूरा सूख गया अच्छे से। अब मैं इसको पूरा ऊपर रख दूँगी एकदम अच्छे से यहाँ पे, फिर इसको सजा दूँगी। बहुत सारे भगवान जी का भी कुछ कुछ फ्रेम टूटे हैं, तो थोड़े हम नए ले लेंगे बाद में ऐसे, तो पूरा अच्छे से अभी मैं कर दूँगी पूरा बाद में। और या सुबह हो गया है तो अभी बारिश आएगा ना, तो ये जो इधर का जो आपको नज़ारा दिख रहा ना, इतना हरियाली होगा, इतना अच्छा लगेगा। फिर हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी हर बार की तरह। ये देखिए गाइस, अच्छा लगता है जब बारिश के दिन होता है ना, तो बहुत अच्छा। तो बोलते ना बॉम्बे में बारिश बहुत अच्छा, विंटर भी ठीक है, बट और गर्मी इतना ये डेंजरस है ना, बोलते ना गर्मी में पूरा बंजर हो जाता है इधर, ऐसा पूरा एकदम पहाड़ के बंजर बंजर हो जाएगा ऐसा लगता है पूरा। मॉर्निंग ईशान, ईशान उठ गया है, देख ईशान हमारा उठ गया है। वो मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। अरे यार इतना शेक हो रहा है ये फोन, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, इतना शेक हो रहा है। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ, शेक अभी इतना अच्छी क्लियरिटी आएगा, बहुत शेक हो रहा है। मैं भी मैन कर रही हूँ, और हम आए हैं नारियल पाने, हम मतलब अंकल अभी कटवाने वाले, देखते हम नारियल गाइस। अभी हम नारियल पानी पी लिया है, इसका मलाई का चेंज है, हम छोड़ेंगे नहीं, मलाई थोड़ा सा है पतले पत्ते, बट मज़ा आ रहा है। और एक ऐसा, और हाँ अभी पहले तो घर गई मैं, और तो काम वाम करके नारियल पानी पी के फिर घर जाके थोड़ा सा ड्रामा काम वाम हुआ, और फिर अभी आई हूँ शॉप खोली हूँ, शॉप खोलने गई था शॉप खोली हूँ। और ईशान अभी उधर बैठा है, बट अभी तो देखा ना प्रिंटर वाला भी नहीं आया, मैंने कितना उसको कॉल कर रहे तो अभी फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। दो नंबर, एक नंबर तो स्विच ऑफ ही बता रहा है, और दूसरे नंबर पर ट्राई करो तो क्या बोल, तो दो तीन ऐसे ही आके मैंने चलेगा, बट प्रिंटर ठीक ही नहीं, ऐसा इतना ये प्रॉब्लम होता ना ऐसे रहेगा। देखो ना इधर रेड, जबकि मैं पूरा अच्छे से कर भी थी पूरा, पर वो पेपर है ना नीचे खींच नहीं रहा, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है दिक्कत वो, तो अभी वही देख के बताएंगे। और कैनन वाले की कंपनी को कॉल करो तो 750 रुपये वो ले रहे हैं, और सच फिर मैं बाहर वाले को दे तो 450 रुपये में हो रहा, तो मतलब काफ़ी पैसा बच जा रहा है इसकी वजह से। तो अभी देखती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ, अभी बच चुके हैं ऑलमोस्ट 4 o'clock तो बच गए हैं। और मैंने खा भी लिया था घर पर, क्योंकि फिर इधर आके खाने की जगह मिला तो खा लिया था मैंने, टेंशन हो गया इसके। और अभी धूप है, मम्मी से बात हुआ तो मम्मी के यहाँ पे एकदम मौसम एकदम कूल हो गया ऐसा बता रही मम्मी, तो उधर से बारिश हो जाएगा आज, अब देखते इधर और लगेगा 15 दिन लगेगा, इधर भी बारिश आ जाएगा फिर जल्दी से, फिर रेनी सीजन चालू हो जाएगा, मज़ा आ जाता है रेनी सीजन में, बट वही है कि किचड़ विचड़ रहता है थोड़ा वो लगता है। तो गाइस घर पहुँच चुके हो आप देख सकते हो, और कुछ कुछ लोग हैं ना इतने प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे,
जैसे कि उस समय वो जो ऑटो वाला मेरा पूरा मूड ऑफ किया था, और आज के दिन जैसे आई तो ईशान का पता ना मोबाइल देखता था थोड़ा वो ये करने लगता है, तो कुछ कुछ लोग है ना अरे यार तो मैं बोला ईशान नहीं छूते नहीं छूते ऐसा बोल भी रही थी, उन्होंने अरे इट्स ओके चलेगा देख मो, तो ना वो लोग क्रिकेट देख रहे थे तो ईशान को भी ऐसा देख रहे थे, फिर मैंने उनको कंसर्न हो रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बच्चों को भी कंसर्न, बहुत ज़रूरी है कंसर्न करना, क्या होता आप लोग का कंसर्न नहीं करते ना तो हम लोग को फिर बुरा, मतलब हम जैसे फैमिली है बहुत ये होती है एकदम अजीब, उनको मन करता है फिर ऐसा लगता है उनको बहुत गंदा बुरा लगता है, तो आप लोग है ना ऐसे बच्चे को कभी भी देखते ना बहुत कंसर्न, मतलब दिल वाला कंसर्न, झूठ मूठ का नहीं, जो सच में दिल से निकलती तभी आप कंसर्न कीजिए, तो इतना अच्छा लगा ना उनसे, तो बहुत अच्छा लगा, तो वो लड़का ना जब मैं निकल रही थी तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी वजह से उन लोग को भी ना लेट हुआ ना ऑटो वाले फिर रुकते, तो मैंने बोला ईशान उतरो, तो फिर मैंने बोला अंकल रुको मैं आपसे पैसे देता हूँ, वो भी ऑटो वाला भी बोला अरे मैडम कुछ नहीं है सबको घर ही जाना टेंशन मत आराम से कीजिए, फिर है ना एक लड़का बोलता है कस्टमर ही ये था, तो कितने साल के, तो मैंने बोला 14 साल का है, और उसको मैंने बोला उसको समझ नहीं है ना इसके लिए, तो उसने अरे नहीं नहीं ठीक है आप ध्यान रखिए उसका, इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऑटो ड्राइवर भी बोला कि मैडम आप उसको ध्यान रखिए, मैंने बोला हाँ मैं जा रही भागते हुए 2 मिनट रुका भी था, क्योंकि वो ना ईशान ना जैसे उतरा और आगे जा रहा था ना, तो मुझे पैसा भी देना था ना उनको, तो उसी में दो मिनट का फिर मैं जा, मतलब अभी जो चला जाएगा बट तो भी ट्रक आता है कुछ गाड़ी आती है तो डर लगता है, तो भी फिर मैं भाग भाग के गई, बट मुझे इतना अच्छा बेटर फील करवाया ना उन्होंने कि इतना अच्छा, बहुत सारे लोग आदमी बहुत कंसर्न, बहुत थैंक यू सो मच, मैं उन लोगों के लिए थैंक यू बोलूँगी, आप ऐसे ही कंसर्न करना उन लोगों को, तो आप लोग अगर ऐसे कंसर्न दिखाते हैं ना तो उन पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ना पेरेंट्स को ऑकवर्ड फील होने लगता है कि हमारे वजह से, तो आप मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा तो सॉरी बोलते पेरेंट्स, तो ऐसा मत थैंक यू, मतलब मैं उन लोगों को बहुत सच में दिल से शुक्रिया अदा करती जो ऐसे लोग रहते, और आप प्लीज़ गाइस मैं यंग जनरेशन को भी बोलूँ कि आप ऐसे ही बहुत ध्यान दीजिए, और वो कितना अभी होगा फर्स्ट ईयर का लड़का होगा वो, तो मेरे को अच्छा लगा इतना कंसर्न किया, और ऑटो अंकल भी थे तो अच्छा लगा, तो ऐसे कल का दिन तो आपने देखा कि इतना उसने मेरे को ऐसा मतलब बहुत मेरा मूड ऑफ हो गया था, मैं सोच कि ऐसे लोग भी होते हैं, पर बोलते हैं ना भगवान जब मिलवाते हैं तो और मोटिवेट होते हैं, और अच्छा लगा मुझे बहुत, थैंक यू सो मच, और ईशान देखो आते ही देखो ये रिमोट लेगा, रिमोट से सब चैनल चेंज करता रहेगा, बस चैनल चेंज करता रहेगा, देखो मेरे भी फ्रेंड्स में ना बहुत कम मेरे फ्रेंड्स हैं, बट इतने प्यारे सब लोग हैं ना कि वो लोग हमेशा इसका टेक केयर करते, कभी भी ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग कैसे बिहेव करेंगे, जैसे मैं लेके जाती हूँ तो बोलता अरे तू नहीं कर मैं पकड़ते हैं ये सब, तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग होना ज़रूरी है, और आपको नहीं पता ना कि कौन सा बच्चा क्या कैसा है, वो तो गॉड गिफ्टेड रहता है जो बच्चा, तो आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है सभी पेरेंट्स को, और उसे बहुत प्यार दीजिए, हाँ आपके ऊपर है आप कैसा उसको ट्रीट करेंगे वो आपके ऊपर है, कोई आपके फादर मदर्स को हम लोग नहीं बोलेंगे अरे ऐसा क्यों ट्रीट किया, वो आपका लुकआउट है, बट बस मैं कहूँगी कि कुछ कुछ पेरेंट्स होते बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, प्यार से कभी कभी मस्ती कर रहा है तो उसको डांटिए, प्यार दीजिए बट बहुत सारा प्यार दीजिए, और या ध्यान रखिए, और बस अभी वही अभी खाना नहीं, मैंने आंटी को आज मना कर दिया था कि मत आइए मत बनाइए, तो अभी मैं सोच रही हूँ, तो आंटी को तो मैंने मना कर दिया कि आंटी भी थक गई थी वगैरह, तो फिर आंटी मत रहने दो और मैं देख लूँगी मैं बना लूँगी कुछ, तो फिर है ना दूध बचा हुआ है बहुत, 1 लीटर दूध है, क्योंकि थोड़ा सा ही चाय भी उसका नहीं होता, 1 लीटर पूरा रखा दूध है, तो मैं ईशान को दे दूँगी उसमें से थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, तो बस हो गया आज का दिन है, मतलब मेरे को अब भी पता, बोलते ना शाम का दिन इतना अच्छा लगा ना बहुत बेटा, बस हाफ है ना बोल सकते हो आप 20 मिनट्स के लिए, इतना अच्छा फील हुआ मुझे ना, इतना अच्छा लगा मुझे, ऐसे लोग मिलते ना तो बहुत खुशी भी होती, और पता है हम सब पेरेंट्स लोग को ना फैमिली को बहुत अच्छा भी लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, और उसको उसका मनोवन बढ़ाते हैं, ये नहीं कि उसको डिमोटिवेट करते हो, तो ऐसे बहुत ज़रूरी है गाइस, आप लोगों को कहीं पर भी मिलते हो उनको बहुत प्यार दीजिए, और प्यार दीजिए बस, और कुछ नहीं बोलोगे, तो गाइस या अब देखते हैं, मैं देखती हूँ अभी दूध गर्म के लिए डाली हूँ मैं, और फिर ये देखो ईशान देखो मस्त,
देखो अब वो बैठ के सिर्फ रिमोट का सिर्फ चेंज करता रहेगा, आधा रिमोट तो। तो गाइस ये दूध देखो, एक लीटर दूध है पूरा का, मैंने धीमे आंच में इसके लिए रखा है क्योंकि ये ओवरफ्लो ना हो जाए, कहीं ध्यान मेरा हट जाएगा तो फिर ले दूध पूरा बर्बाद। तो इसके तब इसको टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 20 मिनट्स तो लग सकता है। तो ये अभी देखते हैं। और यस कल मैं इसकी दाल बनाऊँगी, ये मैंने पूरा पानी में भिंगोया था, अभी धो के रखा है और मैंने अभी पूरा अच्छे से ये क्लीन करके ऐसे उस कल बन जाएगा चावल। और मैं सोच रही इसका दाल पूरा अच्छा सा मस्त बनेगा, दाल और चावल लेके जाती हूँ पूरा। मेरा देखो आम पन्ना ख़त्म, ये दूसरी बार बना था दूसरी बार ख़त्म, और मैंने आम भी नहीं लाया था, मेरे को कल आम भी लाना पड़ेगा। तो या तो अभी देखते अभी वापस, अब थक गया थोड़ा आराम करते, अब देखो 10:15 बजे पहुँचो। तो अब जाती थोड़ी देर आराम करते, आपसे बतियाते हैं थोड़ा, और अब ये टाइम लगेगा उसको। हमारा ईशान देखो मस्ती करते हैं, गुस्सा भी होता है वो, मारता भी है मेरे को, बहुत बार मारा भी है उसने, 2-3 झापड़ खींच के, कम है क्या। वाह अगर आपको गाइस ऐसे आते एकदम ऐसा टकाटक बेड मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये गाइस देखो मैं करके हमेशा जाती हूँ, कभी कभी मुझसे भी नहीं होता, बट मैं करके गई थी और देखो आते में ना वाह ऐसा लगता है या हम होटल में आ गए हैं, अच्छा फील होता है। अरे बाबा मैं, ओह शिट मेरा बालकनी खुला था, मुझे डर है कि चूहा ना आ जाए, शिट बहुत डर लग गया मेरा, अगर चूहा आ गया तो गई मैं, फायर हो जाऊँगी मैं यार बहुत। तो यहाँ अभी मैं बैठ भी लेट भी गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ जब तक दूध उबलता नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा मैं गाइस यहाँ मैं बताना चाहूँगी, अमेजोन में मिनी टीवी में जाइए फ्री में आप द फैमिली, क्या मैंने कल ही देखा है, द मेरी फैमिली करके शो है, सीरीज एग्जैक्टली, तो वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, 90s के दौर का है, जब तो मैं बॉर्न हुई थी तो उस समय का है वो, तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ कुछ चीज़ें उस समय हमारे, हम जब बड़े बड़े तो हम भी ऐसे ही थे, तो बहुत अच्छा लगा था। सीज़न 1 भी है, सीज़न 2 भी, तो अब जाइए देखिए बहुत अच्छा है। और अगर फिज़िक्स वाला भी आपने अगर नहीं देखा तो वो भी जाइए, उससे बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, फिज़िक्स वाला भी देखिए, जिसको हॉन्टेड मूवी पसंद है, हॉन्टेड सीरीज़ पसंद है, हॉन्टेड भी देख सकते हो आप, बहुत कुछ है वहाँ पर फ्री में है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ये है। गाइस ये कोई प्रमोशंस नहीं कर रही, ये मेरी दिल की बात बता रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें, क्योंकि बहुत अच्छा है इसके लिए। देखो दूध पी रहा है, एक ग्लास मेरा बच्चा, मेरा छोटी बच्चा मोबाइल में साथ में, देखो मोबाइल बज रहा है इनका, गाने गा भी पी रहा है, ये बाजू में रखेगा नहीं, देखो रखो ऐसे ऑफ करके, हाँ पहले दूध पियो, फिनिश करो, देखो हंस रहा उसी में, आराम से पियो आराम से, कहीं नहीं जा रहा आपका दूध। इसके आई देखो कितना प्यारे है, इसके आई लेशेस है, पियो यार इतना ही कम, जा पूरा गिरा रहे ईशान, कैसा बच्चा है तुम, रुको पी रहे बच्चा। तो व्लॉग हम यहीं से समाप्त करते हैं ईशान का दूध पीते हुए। तो गाइस अच्छा लगा हो तो होप्स हो आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी नए लोग हैं जल्दी जाइए लाइक कीजिए शेयर के सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मैंने जल्दी बोल दिया है, ईशान से पहले बोल दिया, ईशान का फिनिश भी नहीं हुआ है दूधू, तो ईशान को बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस, माय छोटू ब्रो, और बहुत सारा देते रहिए प्यार का, और हमेशा सपोर्ट करते रहिए गाइस, और यस लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। ईशान मैं विनर, तुमसे पहले मैंने बोल दिया, जब तक तुम पी रहे हो, बट मैंने बोल दिया जल्दी से ईशान, मुझे दवाई भी डाले उसको पता ना चलता उसकी, अरे बाप रे बाप अभी इतना बच्चा है, बाप रे ईशान फिनिश करो, हाँ फिनिश करो, अच्छा इसको रख रहा है, फिनिश करो, चलो अभी रख रखना इसको, ज़्यादा होगी, पियो जल्दी पियो, सब लोग देख रहे हैं आपको, बोलेंगे गाइस कैसा है मेरा ईशान, बोलेगा कल आपसे बात करना है सबको, पियो जल्दी, नहीं पी रहा है अभी, देखो तो ठीक है गाइस, बाय बाय, और ध्यान रखना अपना, इसको साइड में रखते हो, देखो अभी दे नहीं रहे, पियो जल्दी पियो, फिनिश करो जल्दी चलो गाय भाई बाय, अब बाय, कैसे स्माइल करा देगा, आधा दूध पिया है, आधा दूध यहाँ पे रख दिया, देखो गाइस
क्या करूं मैं इसका, अभी देखो पीना नहीं है अभी इसको, एक ही ग्लास भी नहीं पिया इस बोधू बच्चों ने, देखो हंस रहा है। क्या हुआ, मैं अभी व्लॉग देख रही थी ना, मैं सोची चलो एंडिंग हो तो दूसरा हो गया तो मैं व्लॉग देखती हूँ थोड़ा बहुत पुराना ऐसे मेरे, तो देख रही थी कितना व्यूज आ रहा है। एक्चुअली बोलते ना, जब तक बोलते ना, जब अपने मन का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता तो हम लोग वेट करते ना कि कब वो ड्रीम पूरा होगा, कब वो ड्रीम पूरा होगा। अपन ऐसे सोचते ना कि कब मेरे बहुत बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, तो वही मैं ऐसे देख रही थी तो ईशान हो रहा था ना, तो ये ऐसे देख के हंस रहा है। मतलब देखो कितना इसको, देखो कितना समझ में आता है, ये देखो। अरे फोन कैसे, हाँ ओ वही मैं सोचू, मैंने पासवर्ड निकाल दिया था ना गाइस, नहीं है पा, मैंने नहीं, देखो हाँ पासवर्ड निकाल दिया मैंने इसके लिए, उसके लिए, क्योंकि मैं ना इसको छोड़ के थोड़ा सा काम करने के लिए चले जा गई थी ना आधे घंटे के लिए, तो फिर ना ये मोबाइल इसको देते होते ना, वो बेचारा अकेला रहता है, उसको लेके नहीं जा सकते ना, क्या करूँ, इसीलिए जल्दी मैं सोचू जल्दी काम करके आ जाती हूँ इसके लिए। तो ये देखो 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 ऑन कर लिया, देखो देखो मिस्टर बीन, इसका मिस्टर बीन देखेगा अभी, ये क्या देख रहा है, ये कार्टून दिख रहा है भगवान, यार मिमी का काम यही है काम इसका। देखो इसको नींद नहीं आ रही है, देखो क्या करूँ मैं, देखो अभी इसको बोल चल सोने के लिए खत्म कर, तो खत्म भी नहीं कर रहा, ये देखो दूध जो गिरे हुए हैं इसके पैंटों में पैरों में वो क्लीन कर रहा है, मैं नहीं अभी क्लीन कर रही, वो खुद क्लीन करेगा जाके, उसको समझ में आता है, सब समझ में आता है, ये देखा देखा मोबाइल चलाने आता है इसको, देखो जाओ इसमें पाओ, तो यहाँ पे पूरा दूध गिर गया ना तुम्हारा, पा दो क्या, जाओ और वॉशरूम करके आ जाओ, जल्दी जाओ वॉशरूम भी कर लो, जाओ जाओ मेरे बच्चा वॉशरूम कर लो, वॉशरूम भी जाता है।